मैं पहुंच जाऊंगा सर जी। आज लोकल इंटेलिजेंस ने संवाददाता से कहा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शहर में बॉम्ब लगाने की साजिश की जा रही है। इसी कारण पुलिस विभाग ने आम नागरिकों को ये चेतावनी दी है कि किसी भी संशयित या लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, उसे देखते ही पुलिस विभाग को उसकी सूचना दे। सर शहर में बॉम्ब होने की खबर है सर, सर आप स्टूडेंट्स को चेतावनी दे दीजिए कि किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। और सर मैं भी पहुंचता हूं बहुत जल्दी। जी सर। मेरा बैग कहां गया? बाल गोपाल देखो मेरा बैग मुझे दे दो, मुझे परेशान मत करो। परेशान तो मुझे कर दिया इस चूहे ने, द मिक्की माउस। मिक्की चूहा? हाँ वही चूहा जो होल टाइम हर चीज में होल करते रहता है। अरे चलो शुक्र है मेरा मेरा बैग तो नहीं कुतरा उसने। अरे साधना मेरी तो एक एक चीज कुतर डाली, भगवान की किताब, फूलों की माला, सबका सब कुतर डाला। इस चूहे को तो मैं बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। पर बस बस देखो आप। अरे पहले पकड़ तो ले उसे। माँ मैंने अपना जाल बिछा दिया है, अब तक अगर चूहा फंस गया होगा ना तो हंसेंगे हम और रोएगा वो। दिमाग भी खराब कर दिया है। तो अब मैं बताती हूँ इसे केक के डब्बे में डाल के ना ऐसे बहुत दूर छोड़ के आऊंगी। नहीं नहीं, आरती के दरवाजे पे छोड़ के आऊंगी। हमारी बला टलेगी और आरती की परेशानी बढ़ेगी। देखो साधना ये अच्छी बात नहीं होती है, अपने सर की बला किसी और के सर पे डाल दो। अरे इससे अच्छा तो तुम इसे किसी जंगल में छोड़कर आओ। शर्मा जी मुझे सब पता है, मैं छोड़ के आती हूँ उसे। जय भगवान, बला टली। ये घर में सब नमूने ही भरे पड़े हैं क्या? गोपाल तुम भी तो उनमें से एक हो। अपलू? आज अपलू मैंने तो सोच लिया कि हम गुंडा गर्दी में कोई ऐसा काम करेंगे कि चारों तरफ हमारा नाम हो, शोर मचा के। अगर काम ही करना है तो मुझसे ये बॉम्ब क्यों बनवाया चुपचाप से? मैं यही तो काम करना है, मैं इस बम को ऐसी जगह लगाऊंगा जहां पर बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा और हम टीवी पर आएंगे और कहेंगे कि इस बम की जिम्मेदारी हम लेते हैं शोर मचा के। मैं ऐसी जगह देखकर आता हूँ जहां पर ये बम रख सके हैं? शोर मचा के। ये क्या हो रहा है चुपचाप से? टाइमर स्टार्ट। चुपचाप से बॉम्ब फटने में केवल 2 घंटे बचे हैं। अरे लगता है ये भी चूहा छोड़ने ही आया है, इससे पूछ लेती हूँ कहाँ छोड़ेगा। भाई साहब इसे कहाँ छोड़ेंगे? आपको पता है इसमें क्या है? हाँ मुझे तो सब पता है, मैं भी तो यही लेके आई हूँ सेम टू सेम। आप भी? इसका मतलब आपकी जिंदगी में भी परेशानी है? क्या बताऊँ भाई साहब, जिंदगी तो नरक बना दी है, इसीलिए तो ये कदम उठाना पड़ रहा है। कहाँ रखेंगे? कोई नहीं जी, मेरी कहानी भी यही, हम भी यही प्लान कर रहे थे कि इसे कहाँ छोड़े। हाँ तो बस मैं भी वही छोड़ दूंगी ना आसपास। नहीं आसपास नहीं है? हमें भी परेशानी हो सकती है ना, आप थोड़ा दूर जाओ चुपचाप से, हम भी इससे दूर लेकर रखेंगे। अच्छा अच्छा ओके है। सॉरी मैडम, अपना डिब्बा तो लेके जाइए। हाँ हाँ मैं कौन सा यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, लीविंग नॉट। मुझे सब पता है, इस शहर में एक चूहा छोड़ने की जगह नहीं है। नो प्लीज लीव चूहा। शर्मा जी अब ये चूहा ना आप ही को छोड़ना पड़ेगा।
अरे नहीं नहीं, मैं ये चूहा छोड़ने नहीं जाऊंगा। मुझे सब पता है, आपको चूहे से डर लगता है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे चूहे से बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे तो बल्कि चूहे जो है बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर चूहे की आंखों में डाल के कहिए ना कि आप नहीं जाएंगे, है ना? इन्होंने तो ऐसी शक्ल बना ली जैसे इन्होंने चूहा नहीं बम देख लिया है। अरे ये तो वही बम है, न्यूज वाला बम। ये साधना कहां से उठाकर लेकर आ गई? क्या करूं, क्या करूं? ऐसे तो बम स्क्वाड में ले जाकर देना होगा, अगर इन लोगों को पता चल गया तो बेचारे घबरा जाएंगे। छुप के जाना होगा। गोपाल शर्मा, अब तो बस तू ही अपने परिवार की और इस शहर की रक्षा कर सकता है। ठीक है साधना, मैं ये चूहा बाहर छोड़कर आता हूँ। वाह शर्मा जी वाह, चूहे की तरह जीने से तो अच्छा है शेर की तरह मरना। गुड गुड। सही कह रही है साधना, हो सकता है कि ये बम रास्ते में ही फट जाए और मैं मर जाऊं। साधना, अपना ख्याल रखना। शर्मा जी आप चूहा छोड़ने जा रहे हैं, देश छोड़ के नहीं जा रहे? नो फॉरेन गोइंग, चूहा फॉरेन आउट गोइंग। मैं समझ गया साधना। सासू मां, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे अरे दामाद जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने थोड़ी गलती की है। गलती तो चूहे ने की है, उसने कपड़े काटे हैं, आपने नहीं काटे। साधना मैं जा रहा हूँ। शर्मा जी चाहिए। गोपाल अपनों के लिए अपनी कुर्बानी देने निकल पड़ा है, अब देखते हैं क्या होता है। पता नहीं चबलू कहाँ रह गया, चुपचाप से। चबलू कहाँ था तू, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं तो जगह ढूंढ रहा था बम लगाने के लिए, और वो जगह मिल गई शोर मचा के। अच्छा तूने बम रेडी कर दिया है ना, सब सही है ना शोर मचा के? मैंने तो टाइमर भी ऑन कर दिया, सिर्फ बम लगाना बचा। टाइमर क्यों ऑन कर दिया शोर मचा के? भाई जानबूझ कर नहीं किया, गलती हो गई। अब जल्दी से इसको ऑफ कर। ऑफ करना आता होता तो पहले ही नहीं कर देता। अगर ये बम फट गया तो हम क्या करेंगे शोर मचा के? अच्छा इस बम को हम लोग ना उस जगह पर लगा देते हैं, इस पे टाइम क्या सेट किया है? 11 बजे का टाइमर फिट है, चुपचाप से। अभी 2 घंटे हैं, उतने समय में बम लगा भी आएंगे, चुपचाप से। धमाका। अबे अबे ये इंसानी नस्लों को तबाह बर्बाद नहीं, किसानों की फसलों को बर्बाद करता है। क्या कह रहे हो? अबे चूहा है चूहा शोर मचा के। ये चूहा क्या कर रहा है? भाई मैंने तो उसे बम लगाया था, फिर ये चूहा। याद आया, हाँ भाई आज एक औरत सेम ऐसी डब्बा लेकर ऐसे जा रही थी, मुझे लगता है हमारा बक्सा उसके बक्से से बदल गया है। अबे जल्दी से उस औरत को ढूंढो, कहीं वो बम उस औरत के घर में फट गया ना तो लोग समझेंगे कि किसी ने जाति दुश्मनी निकालने के लिए ये बम फोड़ दिया और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। देख तू उधर जा और मैं इधर जाता हूँ। शर्मा जी जरा हमें भी चौपाल तक लिफ्ट दे दीजिए। पंडित जी क्षमा कीजिए, मुझे बहुत जल्दी कहीं जाना है, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता। पंडित जी आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे कहीं जाना है। क्या कर रहे हैं आप? आपका मेरे साथ जाना अच्छा नहीं होगा पंडित जी। पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके, आप प्लीज प्लीज गाड़ी से उतर जाइए पंडित जी। अरे शर्मा जी ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? डर के मारे। शर्मा जी जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये देखिए ये बम है, बम है पंडित जी, अगर फट गया ना तो भूत और भविष्य सब दिखना बंद हो जाएगा। अरे पहले क्यों नहीं बताया हा? इतनी देर से ज्ञान लिए जा रहे हो, हिंट भी नहीं देते। रहिए यहाँ पे, मुझे जाने दीजिए और गाड़ी में मत बैठिए, यहीं खड़े रहिए। बच गया लेकिन शर्मा जी की जान को भी तो खतरा है, पुलिस को फोन करना चाहिए। अरे ये तो बिजी आ रहा है।
बाल गोपाल? गोपाल अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अरे ये पत्थर कहाँ से आ गया? अब ये हटेगा कैसे? थोड़ी देर रुक जाओ गोपाल, जब ये बॉम्ब फटेगा ना तो अपने आप ही हट जाएगा। तो मेरी हेल्प तो करोगे नहीं, मेरा मजाक उड़ाओगे ऊपर से। अब ये पत्थर कहाँ से आ गया? अरे भाई साहब, भाई भाई नहीं 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 भाई साहब, आप जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे हटो हटो, सब लोग हटो यहाँ से, हटो हटो। पप्लू बम देखेगा तो कितना खुश होगा शोर मचा के। ये पत्थर एकदम से हट कैसे गया? अब जल्दी से चलो वरना बम ना फट जाए। चलो 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 बाल गोपाल, बैठो गाड़ी में। धमकी देने वाला आदमी कहीं भी बॉम्ब लगा सकता है, अलाहाबाद फोर्ट, खुसरो बाग या कोई मार्केट या कोई मॉल। हजारों लोगों की जान खतरे में, कैसे भी करके हमें बॉम्ब तक पहुंचना होगा। सर, 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 आपको बॉम्ब तक पहुंचने की जरूरत नहीं है सर, बॉम्ब खुद आपके पास आ गया है सर। लेकिन अब है कौन? हिंदुस्तान का एक आम जिम्मेदार नागरिक सर। सर लेकिन ये सब छोड़िए, इस बम को डिफ्यूज कीजिए। खड़े रहो, हिलना मत। ऑफिसर डिटेक्टर लेकर आओ। सर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है सर। क्या ऐसा बम मैंने 20 साल के करियर में नहीं देखा, लगता है कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बम है। मैं इसे खोलने वाला हूं, हो सकता है ओपन करते ही ब्लास्ट हो जाए। अब मैं ये बॉक्स खोल रहा हूं, आप लोग सब झुक जाओ। कौन सा महीना आज, कौन सी डेट है आज? रहने दीजिए, रहने दीजिए। आज के दिन को गोपाल दिवस घोषित करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है सर। फर्ज निभाया? ये हमें अप्रैल फुल बनाया। मिस्टर आम आदमी, ये खास मजाक की खास सजा भी हो सकती है आपको। मजाक? कौन सा मजाक सर? ये क्या है? अरे ये बम चूहा कैसे हो गया? ये चूहा यहाँ पर कैसे आ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चूहे का बॉक्स लेकर आप यहाँ तक आए कैसे? ये सब तुमने किया ना? मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया, तुमने किया ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने किया? मेरी गलती? ऑफिसर ये धक्के मार के बाहर निकालो। बम बेटा आप यहीं आराम से बैठो, घबराना मत हाँ, शोर मचा कर और शोर भी मत मचाना, शोर मचा कर हम अभी आते हैं शोर मचाकर। बाल गोपाल ये सब तुम ही कर रहे हो ना? गोपाल अब परिस्थिति बदल गई है, खतरे की कोई भी बात नहीं है, इसलिए गोपाल अब तुम भी अपना मूड ठीक कर लो। अरे गोपाल वो देखो, वो तो तुम्हारे शिष्य रोहित की दुकान है ना? हाँ लगता तो रोहित ही है। अरे गोपाल वो रोहित ही है, चलो हम लोग ना उससे चल के मिलते हैं। रोहित। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। कहाँ गए? अरे बम चुपचाप से, ये क्या हो रहा है? अरे साइकिल सीधी चलना, चुपचाप से। अरे 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 रुक जा, अरे सीधी चलना साइकिल प्लीज। अरे 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 अबे उल्टा क्या चल रही है?
ये कहाँ ले आई? वारे मेरी साइकिल, तू तो मुझे बॉम्ब तक ले आई। अब ये बॉम्ब उठाकर निकल लेता हूँ चुपचाप से। करना, हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना। किसी ने बॉक्स उठाते देख लिया तो बहुत मारेंगे चुपचाप से। हाँ, वो चूहे वाला बॉक्स लाता हूँ। अरे पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अरे इतने समय में तो आत्मा से परमात्मा का मिलन भी हो जाता है। हे प्रभु, अब आप भी कुछ कीजिए। लग गया, लग गया। अरे पुलिस स्टेशन। बक्सा तो यही है, जल्दी से इसे ले जाकर उस बॉम्ब वाले बक्से से बदल दूंगा। और जब बॉम्ब वापस लाऊंगा तो उसे देखकर चपलू भाई खुशी के मारे जरूर भर जाएगा। चुपचाप से चलो बाल गोपाल। अरे गोपाल, थोड़ी देर और रुको ना, कितना अच्छा मौसम है। ये तुम्हें अच्छा मौसम लग रहा है? अरे इतनी चलचलाती धूप है, मेरा पसीना छूट रहा है और तुम्हें ये मौसम अच्छा लग रहा है। गोपाल, तुम ना मेरी नजरों से देखो। तुम्हें कैसा लग रहा है गोपाल? तुमने सही कहा था बाल गोपाल, इस धूप में भी कोई खास बात। कितना अच्छा लग रहा है इस धूप में। बाल गोपाल, वो देखो, कोई कुछ चुरा रहा है। ये धूप ही तो है जो उदासी भरी छांव को चुरा रही है। इस धूप में गरम गरम लू जब जब मेरे दिमाग को छूती है, तब तब मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल उबलने लगते हैं। इस धूप का एहसास कितना खूबसूरत है। अकेला बातें कर रहा है, लगता है इस लल्लू को लू लग गई है, तभी पगला रहा है चुपचाप से। अपने को क्या है, अपने को तो यहां से बॉम्ब उड़ाना है, फिर वहां जाकर बम से उड़ाना है, वो भी चुपचाप से। ये धूप ही तो है जो शर्मा जी, छिलछिलाती धूप में मैं ऐसे क्यों खड़ा? क्या हो रहा है बाल गोपाल? अरे गोपाल, क्यों इस धूप में तप रहे हो और मुझे भी तपा रहे हो? अच्छा आप जल्दी से घर चलो, वरना साधना घर में गुस्से से तप रही होगी। अबे कहाँ चला गया था तू? हाँ, वो बम वाला बक्सा भी गायब है। वो बॉम्ब वाला नहीं, चूहे वाला बक्सा था, और मैं ही लेकर गया था चुपचाप से, और फिर बॉम्ब भी ढूंढ लाया। अबे क्यों झूठ बोल रहा है तू? हाँ, अरे वो बक्सा तो मैंने चुराया था शोरूम में जाके। नहीं, मैं लाया था चुरा के चुपचाप से, वो भी लाल गाड़ी वाले पागल की कार में से। अरे उस लाल गाड़ी वाले पागल के पास से तो मैंने चुराया था। तूने कितनी देर पहले चुराया था? मैंने 10 मिनट पहले चुराया था। अब इसे जल्दी से जाकर कहीं रख देते हैं चुपचाप से। अबे ओ नागपनी के पौधे, तू बार बार मुझे चुपता है। अबे मेरा लाया हुआ बम तू उस लाल गाड़ी वाले के पास रख के आया और वहां से ये चूहा उठा कर ले आया। पता कैसे चलेगा कि बम कहाँ है? आज तो मैं तेरी हालत है ना, वो मुकद्दी के पतली चाय की तरह करूंगा। वो लाल गाड़ी वाला चाय वाले के लड़के से मिला था, उससे उसका पता पूछ सकते हैं चुपचाप से। उससे उसका पता पूछकर उसके घर चले जाएंगे चुपचाप से। देखा, चप्पल चलते ही तेरा दिमाग भी चलने लगा। मुझे सब पता है, मतलब जब आप डब्बा लेके बॉम्ब स्क्वॉश के ऑफिस गए तो डब्बे में चूहा निकला। How like that, huh? साधना मैं सच बोल रहा हूँ, जो तुम बॉक्स लेकर आई थी उसमें बम था। सासू माँ जब आपको चूहे से डर लगता है तो क्यों झांक रही है उसके अंदर? दस मिनट बचे।
डरो मत, डरो मत, मैं इसे लेकर जाता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, शोर मचा के अब यही रहेंगे। तुम तो वही हो ना जो वहाँ पे चूहा पकड़ के खड़े थे। मैं तो वहाँ बॉम्ब लेकर चुपचाप खड़ा हुआ था, चूहा तुम लाई थी। ये बक्सा लो और वो बक्सा दो, हम इसे मार्केट में ले जाकर फोड़ेंगे शोर मचा के। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो छील के रह दूंगा शोर मचा के। बक्सा दे। उठा, जल्दी उठा। अब बॉम्ब वाला कौन सा है, चुपचाप से अबे जल्दी कर, 4 मिनट बचे हैं। नहीं चल लो, सिर्फ 20 सेकंड बचे। सब लोग ले जाओ। 5, 4, 3, 2। बम नहीं फटा शोर मचा के। अबे साले ने नकली बम दिया है। ना दिया होता तो तुम शिकायत कैसे करते। इंस्पेक्टर साहब आइए, आइए इनको पकड़ लीजिए। यही वो लोग हैं जो बम ब्लास्ट करना चाहते थे। अबे पपलू और चपलू, हैं तुम दोनों पॉकेट मारी करते करते ये बमबारी करने लगे हैं। आ जाओ बेटा, तुम्हारी जेल जाने की बारी है। हवलदार अरेस्ट हिम, चलो। शर्मा जी मुझे सब पता है, सारी गलती मेरी ही है। आपने तो कहा था कि अपनी मुसीबत दूसरे के सर पे नहीं मरनी चाहिए। अब इतनी छोटी मुसीबत से छुटकारा पाने निकली थी और इतनी बड़ी मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई। अगर आपको कुछ हो जाता ना शर्मा जी, तो मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। नो सॉरी मी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मी नो डू सॉरी शर्मा जी। ये तो मैं समझ गया कि ये सारी लीला तुम्हारी रचाई हुई थी, लेकिन ये सबके पीछे कारण क्या था बाल गोपाल? गोपाल, दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले स्वयं ही मुसीबत में फंस जाते हैं, और ये सब कुछ मैंने साधना को सीख देने के लिए किया था। अब जैसे कि साधना उस दिन उस चूहे को कहीं पर भी छोड़कर अपनी बला दूसरों पर डालना चाहती थी, लेकिन स्वयं ही मुसीबत में फंस गई ना। चलो वो भी ठीक है, लेकिन बम को अगर बम स्पॉट में ही पकड़वा देते तो वो भी तो ठीक ही रहता। लेकिन गोपाल, फिर पपलू और चपलू को ये कैसे पता चलता? जब बात अपनी जान पर आती है तो कितना डर लगता है, और कुछ तो सीख मिली होगी उन्हें। हाँ ये भी ठीक है, सीख देनी थी पपलू चपलू और साधना को, मैं बीच में खामखा फंस गया। अरे मेरे पास तो तुम ही हो ना, इसलिए तुम्हारे बिना मेरी कोई भी सीख पूरी नहीं होती है।